अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम इसके लिए इस तरह से फैब्रिक लेंगे। ये मेरा फैब्रिक जो है वो जीन्स का है। इस तरह से ये देखो, इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 12 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 13 इंच। ये देखो यहाँ से जॉइन है, इस तरह से होगा तो ये 26 इंच हो गया। सबसे ये पहले यहाँ पे हम इस तरह से यहाँ पे 2 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे और ये निशान को इस तरह से करने के बाद ये मैं यहाँ पे इस तरह से लेस अटैच कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये लेस अटैच करने के बाद फिर ये दूसरा उसके ही नीचे से इस तरह से अटैच करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने एक के बाद दोनों साइड इस तरह से लेस अटैच किए हैं। अब इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ से स्टिचिंग करेंगे और एक स्टिचिंग यहाँ पे करेंगे। ये देखो, इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब यहाँ पे बेस बनाएंगे, उसके लिए यहाँ से 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से 1.5 इंच पे सेम उसी तरह से यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से ये जो हमने निशान लगाए हैं इसकी इस तरह से कटिंग करेंगे। ये देखो, ये हमारी कटिंग हो गई है। यहाँ से लेकर एक स्टिचिंग करेंगे और ये दूसरा वाला भी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, इस तरह से ये हमने दोनों स्टिचिंग कर ली हैं। अब यहाँ से इसे सीधा करेंगे इस तरह से और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इस तरह से ये 1, 2 फोल्ड करके इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब स्ट्रैप बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। ये देखो, ये कॉर्नर से यहाँ से हम 3 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे और एक निशान हम यहाँ से लगाएंगे 3 इंच पे। ये देखो, इसे थोड़ा सा डार्क करेंगे, इससे ये नीचे की तरफ से इस तरह से निशान आ जाएगा। इसे भी थोड़ा सा डार्क करेंगे इस तरह से। ये हमारा डार्क हो गया है। ये देखो, इस तरह से मैंने ये स्ट्रैप रेडी कर ली हूँ। इसका मैंने 3 इंच लेकर इस तरह से फोल्ड करके स्टिचिंग की हूँ। इसकी लेंथ मैंने ली हूँ 13.5 इंच। ये जब हम टॉप स्टिच करेंगे उसे इस तरह से नीचे की तरह स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, इस तरह से। ये देखो, इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं और ये इस तरह से ये हमारा बनके रेडी हुआ है। आप इसे ज़रूर बनाएं और इसे बनाना बहुत ही आसान है और दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।